अजय देवगन के साथ काम नहीं करना चाहती ये तीन टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेस। एक ने तो सलमान को भी ठुकरा डाला। बॉलीवुड के एक्शन हीरो अजय देवगन की फिल्मों का अंदाज ही निराला है। वह कभी कॉमेडी फिल्म लेकर आते हैं तो कभी डायरेक्टर रोहित शेट्टी के साथ मिलकर फुल एक्शन ड्रामा फिल्म। बॉलीवुड में अजय देवगन का जलवा 90 के दशक से ही बरकरार है। इस दौरान उन्होंने कई हिट फिल्में भी दी और कई बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम भी किया है। लेकिन इस बीच बॉलीवुड की तीन ऐसी टॉप एक्ट्रेस हैं जो अजय के साथ काम करना नहीं चाहती हैं। तो आइए जानते हैं इन तीन एक्ट्रेस के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहले बात करेंगे एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की। प्रियंका की खूबसूरती और एक्टिंग का डंका तो पूरे विश्व में बजता है। उन्होंने बॉलीवुड में अपार सफलता हासिल कर हॉलीवुड में भी अपना सिक्का जमाना शुरू किया हुआ है। लेकिन इतनी पॉपुलर होने के बाद भी प्रियंका भी उन एक्ट्रेसेज में शुमार हैं जिन्होंने दो खान, सलमान और शाहरुख खान के साथ तो काम किया है लेकिन कभी आमिर खान के साथ किसी फिल्म में दिखाई नहीं दी। लेकिन आपको बता दें कि प्रियंका ने अपने 15 साल के हिट फिल्मी करियर में कभी भी अजय देवगन के साथ कोई फिल्म नहीं की। हालांकि उनके पास अजय के साथ काम करने के कई ऑफर आए लेकिन उन्होंने इन्हें मना कर दिया। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस कटरीना कैफ का। मल्टी स्टार फिल्म बूम से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली कटरीना ने एक से एक हिट फिल्म दी है। बता दें कि कटरीना बॉलीवुड के तीनों खान के साथ काम कर चुकी हैं। लेकिन कटरीना अपने 15 साल के लंबे करियर में सुपरस्टार अजय देवगन के साथ किसी एक भी फिल्म में नजर नहीं आई। शायद ही आपको पता हो कि अजय की सुपरहिट फिल्म सिंघम के लिए पहले कटरीना को ही चुना गया था लेकिन कटरीना ने इस ऑफर को साफ तौर पर ठुकरा दिया। आखिर में बात करेंगे बॉलीवुड की पद्मावती दीपिका पादुकोण की। दीपिका की कामयाबी के सितारे बुलंदियों पर हैं। उन्होंने फिल्म ओम शांति ओम से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की थी। इसके बाद दीपिका ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहीं संजय लीला भंसाली की गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी हिट फिल्मों में काम कर दीपिका ने खुद और अपने काम को साबित कर दिया। लेकिन दीपिका अपने 10 साल के करियर में ना तो अजय देवगन के साथ नजर आई और ना ही कभी उन्होंने सुपरस्टार सलमान खान के साथ काम किया। हालांकि सलमान के साथ फिल्म करने के उनके पास कई ऑफर्स भी आए थे।